प्रोफेसर एस के सिंह, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सर, किस तरह का शिक्षण चल रहा है और क्या है ये? स्वास्थ्य मेला का इंस्टीट्यूट की तरफ से आयोजन हुआ है, दो दिवस का ये स्वास्थ्य मेला है, आज और कल। और इस स्वास्थ्य मेला में करीब 70 स्टॉल हैं, विभिन्न विभाग के लोग इसमें सहभागी हैं और अपनी अपने दक्षता के अनुरूप वो लोग स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देंगे, बहुत से बीमारी की रोकथाम की जानकारी देंगे और बहुत सी बीमारी के इलाज की जानकारी देंगे, बीमारी से उत्पन्न होने वाले और खतरे क्या हैं उसकी जानकारी देंगे। तो इस मेले का उद्देश्य यही है कि हम जन जागरूकता लाएँ, लोगों को स्वस्थ रहने का रास्ता बताएं और यदि वो बीमार हैं तो उस बीमारी से मुक्त होने का भी उपाय समझाएँ। नहीं, डॉक्टर कोई बाहर से नहीं आया है, ये सारे हम लोग हैं और हम लोग काफ़ी सक्षम हैं यह कार्य करने के लिए, इसलिए हमें बाहर किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। बाहर के लोग ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं पर हमें ट्रेनिंग लेने बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। हम ट्रेनर हैं, हम सिखाते हैं, सीखने का तो समय निकल चुका है। सर, आज क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य मेले को लेकर जो है जो लगा हुआ है, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ, क्योंकि दो दिन का ये विंडो है, दो दिन का विंडो पीरियड है उनके लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ। आपने अस्पताल में देखा होगा, बीमार होने के बाद अस्पताल में बहुत लंबी भीड़ में जाना पड़ता है, तो उससे बचने का ये बहुत अच्छा उपाय है। और ये प्रतिवर्ष हम लोग मना रहे हैं, तीन दिन का जरूरत पड़ी तो तीन दिन का भी कर सकते हैं, पर जैसा यहाँ जनता यहाँ आएगी और सुझाव लेगी उस हिसाब से हम सहयोग करेंगे। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम अनिरुद्ध जोशी है, मैं एक इंजीनियर हूँ और अत्रे इनोवेशंस कंपनी चलाता हूँ। BHU से मैं पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे आयुर्वेद को हम टेक्नोलॉजी माध्यम से सिंप्लीफाई करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। नाड़ी तरंग जी, नाड़ी तरंगिणी हमारा एक प्रोडक्ट है जो आयुर्वेद की नाड़ी परीक्षा, 5000 ईयर्स ओल्ड जो साइंस है, जो आर्ट है, उसको हमने डिजिटाइज किया है। नाड़ी परीक्षा इस तरीके से की जाती है, वात पित्त कफ देखा जाता है, तो उसके जगह पे हमने 3 प्रेशर सेंसर्स यूज़ करके उसको डिजिटाइज करके हमने कंप्यूटर पे लाई है और AI बेस्ड सॉफ्टवेयर जनरेट करके वहाँ से 10 पेजेस का रिपोर्ट काढ़ा जाता है। दुनिया में ये एक ही है जिससे हम डायग्नोस्टिक आयुर्वेद सिस्टम बोला जाता है। इस साल का हमें नेशनल स्टार्टअप अवार्ड मिला, माननीय मोदी जी ने मन की बात में इस सिस्टम का जिक्र किया, उससे बहुत भारी बधाइयाँ दी। हम ये चाहते हैं कि आयुर्वेद को पूरे जग भर में ले जाने के लिए इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आज की भाषा में, नंबर्स के फॉर्मेट में, रिपोर्ट्स के फॉर्मेट में लाया जाए ताकि ये विश्व भर में फैला जाए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।